मेरा नाम रंजीत कपूर है और आप मुझे बॉलीवुड हंगामा के चैनल पर देख रहे हैं। धन्यवाद। ये चीज़ में इनफैक्ट मैंने काफ़ी एक्टर्स से काफ़ी स्टार हैं सबसे भी मैंने कही एक डिस्कशन में, जैसे अगर एक हॉलीवुड की फिल्म अगर आप लाइफ ऑफ पाई आप देखें तो उसमें सपोजिटली कोई एक्ट उसमें नाम एक्टर नहीं, नया लड़का है वो भी प्रोटैगनिस्ट है सच, इट्स द स्टोरी विच इज द दस हीरो, लेकिन वो हमारे पास शायद अभी भी कितनी महंगी फिल्म थी और कितनी बड़ी कामयाबी रही। ऑस्कर मिल गया तो सब नहीं, इवन इवन मॉनेटरली आई थिंक बहुत बहुत कमाया उसने। हाँ, वो तो मुझे नहीं पता, हालांकि ऑस्कर भी जो है उसके प्रति मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था खत्म हो चुकी है। जब उसको क्या होती है स्लम डॉग मिलियनेयर को जितने ऑस्कर मिल गए थे तो फॉर मी दैट फिल्म वॉज ऑफुल, दैट वॉज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव फिल्म, वेरी bad film. You did not like it? Never, really, not an iota. Do you feel that somewhere West likes to जो हिंदुस्तान की गरीबी गुरबत को exploit करना चाहता? तो वही जो exploitative उसकी जो quality थी वही लोगों को, कितनी झूठी फिल्म थी वो, actually वो झूठी फिल्म थी। मेरे पास तीन logic है उसके, लेकिन हम लोग उस फिल्म के बारे में बात करने नहीं बैठे, फ्लो में आगे बात नहीं, ऑस्कर नहीं, 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 आप बताइए। ऑस्कर भी मेरे लिए, उसके बाद मैंने ऑस्कर देखना बंद कर दिया क्योंकि उसको 11-12-13 ऐसे ऑस्कर मिले थे, 11 और उसको शायद 4-5 ही मिले होंगे एमिडियस को, तो क्या उसके तुलना में मैं ये मान लूँ कि इट वॉज बेटर देन एमिडियस? एमिडियस इज ऑल टाइम ग्रेट फिल्म, मिलोस फोरमैन, आई एम ग्रेट फैन ऑफ मिलोस फोरमैन, आई एम ग्रेट फैन ऑफ दैट एमिडियस फिल्म, और क्या रेंज है डायरेक्टर का कि एक तरफ वो वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट बनाता है, एक तरफ ये एमिडियस बनाता है। इस आदमी की मैंने क्या नाम था जो भी है उसकी मैंने दूसरी फिल्में तीन फिल्म देखी गई मुझे छू है, डैनी बॉयल। हाँ, डैनी बॉयल मैंने उसके और फिल्में देखी उसकी, एक उस बड़ी मशहूर सुनते हैं साइंस फिक्शन है, लेकिन वो छूती भी नहीं है स्टैनली क्यूब्रिक की 2001 स्पेस ओडी को, स्पेस ओडिसी को। तो मुझे लगा कि ये भी बहुत बड़ा रैकेट है, किस फिल्म को कैसे वो प्रमोट कर रहा है। लॉबिंग है तो मेरा उस पर से आस्था खत्म हो गई, तब से मैंने ऑस्कर देखना बंद कर दिया। तो मेरी इस तरह के मोह भंग हुए जिसे डिसिल्यूडमेंट है, उस वजह से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। मैं पिछले 6-7-8 साल से मैंने टीवी नहीं देखा है, बहुत ही रेयरली। यू आर नॉट मिसिंग मच एक्चुअली, यू आर नॉट मिसिंग मच, आई डोंट वॉच टीवी एट ऑल, आई नेवर वॉच टीवी, एंड मोर ओवर आई डोंट वॉच हिंदी फिल्म एट ऑल। यू डोंट वॉच हिंदी फिल्म एट ऑल? मेरी लिखी हुई भी नहीं। व्हाई? पहली फिल्म लिखी मुझे लगा जैसी लिखी थी वैसी शूट नहीं हुई, दूसरों के लिए जो लिखी कभी हाँ कभी ना, मेरी कुंदन और हम लोग एक ही वेवलेंथ पे थे, वो एफटीआई था से था, मैं एनएसडी से था, लेकिन हम एक ही भाषा बोलते थे, हमारे जो रेफरेंस पॉइंट थे, हमने जो फिल्में देखी थी उन्होंने भी वही देखी थी, मैंने भी वही देखी जी, बिल्कुल। तो हम लोग का ही कॉमन ग्राउंड था हमारा। उसके बाद दूसरों के लिए लिखा, यू एंजॉय कभी ना कभी ना? हाँ, आई एंजॉय वेरी मच। और अगर आप दोबारा देखें आप अब इतने सालों के बाद आप उसको और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, तब आप अप्रिशिएट करेंगे डायरेक्टर का, कहानी का, राइटर का और परफॉर्मर्स का योगदान क्या था उसका। बिल्कुल। बहुत से आपके जो फैंस हैं वो ये बात ज़रूर कहेंगे कि आप आफ्टर राइटिंग फॉर अ मूवी लाइक जाने को तैयार हो, पीपल फील डिप्राइव्ड कि आपने उनको मतलब और फिल्में उतनी ज़्यादा आपने उस लिहाज से शायद नहीं करी। मैं तो साल में दो फिल्म, आराम से दो फिल्में तीन फिल्म बना, इस फिल्म हमने इस फिल्म को 28 दिन में कंप्लीट कर लिया शूट करके। आप देखिए आप हैरत हो जाएगी, इतने बड़े स्केल की, इतने बड़ा कैनवास इसका, 28 दिन में हमने शूट कर लिया। लेकिन यहाँ के जो माहौल है, हमारे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं आता, हमें कोई फाइनेंसर नहीं आता, जब इसको कुछ एक मकबूलियत मिल जाएगी, लोग इसको लाइक करेंगे, उसके बाद फिर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर करेंगे अच्छा ये बनाओ। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत लकी था इस मामले में कि मैं थिएटर से हूँ, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि यहाँ सर मारने के बजाय, लोगों के चक्कर लगाने के बजाय कि जी मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है यार, मेरे पास थिएटर है ना, थिएटर में आई फील लाइक ए किंग, क्योंकि मैं अपनी पसंद की स्क्रिप्ट चुनता हूँ, अपनी पसंद का डिज़ाइन करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, और अपनी पसंद की कास्टिंग करता हूँ, और प्ले मेरे हिट होते हैं। यहाँ का जो फार्मूला है उसमें मैं नहीं फंसना चाहता, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.
Yeah.